कणों के निकाय का रेखीय संवेग के बारे में क्या बताएंगे? कणों के निकाय का रेखीय संवेग, जैसे आप उसमें बताए थे उसी तरह से इसमें भी बताना है कि माना कि कई पिंड हैं और माना कि कोई पिंड है जो यन कणों से मिलकर बना है और जिसकी त्रिज्या या जिसकी द्रव्यमान M1, M2, MN आप लिखेंगे, द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं, तथा उनकी दूरी R1, R2 तथा RN है, वेक्टर लगा के सवार पर लिखेंगे। तो लिखते हैं कुछ बातों को, जैसे लिखे तो उसी तरह से लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना। माना कि कोई पिंड, पिंड में जानते हो ना, ये भी एक पिंड है जो मार्कर है। माना कि कोई पिंड यन कणों से मिलकर बना है, माना कि कोई पिंड यन कणों से मिलकर बना है जिसका द्रव्यमान M1, M2 तथा MN है और इनकी सदिश स्थिति सब मुझे मानी याद करो बाबू, वेक्टर R1, वेक्टर R2, डैश वेक्टर RN है। तब पिंड का द्रव्यमान केंद्र सब किताब में भी दिया है बाबू, तनिक समझ लेते तो सही रहता। अब सुनो, अब सीखो, तब पिंड का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, चलो हाँ देखो, याद होगा तुम लोग को RCM वेक्टर लिख लो, RCM वेक्टर का चमक रहेगा, पहले लिखा जाए M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 डैश प्लस करके प्लस MN वेक्टर RN पूरा के बट्टा में M1 प्लस M2 प्लस M डैश कर देना प्लस डैश प्लस M। अगर सुन भाई लोग आज पढ़े भी थे M1 M2 ये सब आप लिखे थे, आप फिर यहाँ पर लिख लेंगे ना, चार दो समय के एक मान ले, मान ले माना कि अब हाँ क्या हुआ है जा, चलो हो गई M1 M2 प्लस डैश प्लस MN बराबर कैपिटल M मान लेंगे, क्या मान लेंगे कैपिटल, अभी मैं रखा जाओ तो R वेक्टर CM बराबर M1 वेक्टर R1 M2 वेक्टर R2 प्लस डैश प्लस MN वेक्टर RN और पूरा कबट्टा में कैपिटल M हो गया। चलो तीसरे गुणा करो, इसका गुणा एक में करो, इसका इसमें करो तो हो जाएगा कैपिटल M RCM बराबर M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 डैश प्लस MN वेक्टर RN। हाँ इतना समझो, पहले ही बताओ आप कल जंगा किए थे दोनों पक्षों में DT से गुणा किए थे, वह कार्यक्रम होगा दोनों पक्षों में, हाँ DT/DT से गुणा करने पर ऊपर मिटा दें, और सब लिख रहे लिए हो, चलो गुणा करो DDT MR वेक्टर CM बराबर DDT M1 R1 प्लस DDT M2 R2 के ऊपर वेक्टर डैश प्लस DDT MN RN इतना। अच्छा अब क्या होगा, अब EM को तो बाहर ही निकाल लेंगे ना, तो कहाँ होगा बाबू, कहाँ होगा, हाई मिटा दे, हाई इधर इधर लिख लो सब लोग, ब्लैक बोर्ड में छोटा है।
और कोई बुखार खाएगा कभी। चलो तो एम डी डी, अच्छा एम डी डी टी यार ऊपर हो जाएगा ना जी, आर वेक्टर सी एम आएगा लिख लो बराबर हाई एम वन बाहर, एम वन बाहर कहा कि आर और डी टी हाई वेक्टर का मतलब परिवर्तनशील बा। अच्छा जहाँ पर वेक्टर नहीं के वो कब ना बदली जेगा वही हई बदल जाए वही से एम वन बहरी तो वेक्टर डी आर बटा में डी टी प्लस कौन बहरी कौन बहरी एम टू बहरी आ डी आर टू वही नीचवा डी टी जेगा वही प्लस डेड एस प्लस मन एम एन बहरी आ डी डी टी आर एन वेक्टर। चलो तू जहाँ तक बोलेंगे कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं ना, अरे डी आर बटा डी टी तो चाल 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 कहेंगे भी वेक्टर भी सी एम आई एम वन आई कहा जाए आई आर वन वन हो तो आई भी वन हो जाएगा भी वन वेक्टर भी वन आई एम टू वेक्टर भी टू प्लस डेड एस प्लस एम एन वेक्टर भी इतना हुआ। अब क्या करना है, कहानी कहाँ है मालूम है, अब यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे जब अगर दोबारा अवकलन करते तो बल आ जाता है, एक ही बार अवकलन करके छोड़ देना है ठीक है। अब क्या करेंगे ना, मान लेंगे माना कि क्या मानेंगे एम वन वी वन एम टू एम वन वी वन अच्छा द्रव्यमान और वेग के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं ना, हाँ तो वही लेंगे आप ठीक है। चलो तो आप मान लेंगे एम वन वी वन एम टू वी टू डेड एस एम एन वी एन पूरा का माना वहाँ वेक्टर पी माना जी क्या माना जी वेक्टर पी तो कहा जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर टू मान लो, यहाँ पर टू मान पे छोड़ देना, अब हे ही में रखा जाए जाएगा बोलेंगे एम वी वेक्टर सी एम बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर पी, कहा हो गया वेक्टर पी हो गया। अब आप क्या करेंगे फिर दोनों पक्षों में डी टी से गुणा करने पर कॉमन, एक मिनट पहले समझ लो, हाई भाई आई मिटा दी आई पा आई पा सुना पहले तो देख लेता हूँ, दोनों पक्षों में डी टी से गुणा करने पर गुणा करने कर दो गुणा पहले लिख लो तब बताई का। हाँ अगर कहीं डाउट हुआ तो पूछो तो पहले आओ। तो अब क्या करना है ना, पुनः लिख लेना पुनः डी डी बटा डी टी से गुणा करने पर क्या होगा डी डी टी एम बटा भी सी एम बराबर डी पी बटा डी टी आ फिर एम बाहरी एम बाहरी आई क्या हो जाएगा करने जगह पर डी भी सी एम बटा में डी टी बराबर डी पी बटा हकरा का कह लेला है कि वेग और समय के अनुपात का तुलना कहते हैं ना, तो एम ए सी एम लिखेला बराबर डी पी बटा डी टी है जब बल लिखा सकेला द्रव्यमान त्वरण गुणनफल पर बल कहते हैं तो हकरा पहले है ना लिखा जाए डी पी बटा डी टी हकरा जब लिखा जाए यफ बाह्य यफ बाह्य माने बाह्य माने बाहर बाय माने बाहर। अब जब यहाँ पर लिख लो वेक्टर डी पी बटा कहता है डी टी बराबर यफ या जीरो रखा जाए यानी यफ बाह्य का हो जीरो हो यफ बाह्य जीरो हो तो कहा जाएगा डी पी बटा डी टी बराबर जीरो। इस तरीके से सीध हमारा हो गया या डी पी बटा डी टी बराबर नियतांक नोट कर लो, या आप चाहें तो अगर पी से गुणा करते हैं जीरो कर देते हैं तो खाली अब पी बराबर भी नियतांक लिख सकते, यही सीध हो चुका है इतना नोट कर लो। कहाँ समझ में नहीं आई, हाँ हो गया हो गया हो गया।